बिहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवारी। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रुड़की में देर रात लड़कियों के बीच मारपीट, जमकर चले डंडे। स्कूटी सवार तीन युवकों में से एक युवक को खींचकर ले गया बा, दो युवकों ने भागकर बचाई जान। कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्याप्त इंतजाम का दावा किया जा रहा है। अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। लंसडाउन के रिखनी खाल में पूर्व निर्धारित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व अनुकृति गुसाई रावत ने किया। सरकार जवाब दो विकास रैली के दौरान आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेत्री अनुकृति गुसाई रावत ने कहा कि पिछले 6 सालों से प्रदेश और लंसडाउन विधानसभा का विकास ठप है, जनता परेशान है और कानून व्यवस्था ठप है, महिलाएं असुरक्षित है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सत्ता से जुड़े लोग आरोपी हैं। दिल्ली में पहाड़ की बेटी किरण नेगी को न्याय नहीं मिल पाया। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम बंद है और कर्मचारी भी परेशान है। लंसडाउन विधायक खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं कि वो विकास करने में नाकाम रहे हैं। आज ये जो जन आक्रोश रैली लंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहाँ के क्षेत्र विधायक द्वारा, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं, मैं सोचती हूँ जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 11 सालों के अंदर लंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है। पर इसी के लिए आज ये आवाज उठाने का काम लंसडाउन विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन के राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान में शांति से छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। वहीं अध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद, सचिव पद पर उमा आर्य, कोषाध्यक्ष पद पर शिवानी पांडे, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर विशाल भारती निर्वाचित हुए। सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस के पवित्र पर्व पर प्रभु यीशु का जन्म ईसाई धर्म के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। आपको बता दें कि क्रिसमस का त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। डोईवाला ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र खैरी कला में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुराज दिवस का आयोजन किया। तमाम अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम जन समस्याएं सुनी और तत्काल मौके पर अधिकारियों को सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। दर हमारे 25 सालों से एक नहर चल रही थी, सिंचाई नहर, और वो अभी मिट्टी भर गई है उसमें, तो हमने उसको ओपन नहर के संबंध में दिया है कि इस नहर को ओपन किया जाए ताकि हम किसान लोग आराम से अपने खेतों में पानी लगा सकें। ये एक साल से है जी, दो साल हो गया, इससे धान भी खराब हुआ हमारा। कमिश्नर साहब ने तुरंत कार्रवाई आश्वासन दिया, इरिगेशन विभाग को लिख दिया कि आप एस्टीमेट बना के दें इसका और जो भी होगा हम उसको स्वीकृत करेंगे। हाँ जी, हम फिलहाल हम संतुष्ट हैं। अभी सुशासन दिवस के अवसर पर अनेकों ग्राम सभाओं में इस प्रकार की समस्या सुनने के लिए शिविर और चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो मैं इस खरी कलां ग्राम सभा में आया हूँ। यहाँ पे अभी समस्याएं हम सुन रहे हैं, काफ़ी समस्याएं अभी आई हैं लोगों की इस क्षेत्र में, क्योंकि अभी दो तीन नए विकास के कार्य भी हुए हैं, जैसे NH नया बना है, उसकी वजह से कुछ कठिनाइयां भी हुई हैं, जिस विशेषकर जो इरिगेशन को लेकर और बिजली विभाग को लेकर कुछ कठिनाइयां लोगों ने यहाँ बताई हैं। इसके अलावा वन विभाग, क्योंकि इस ग्राम सभा के दोनों ओर वन विभाग लगता है, एक तरफ राजेश नेशनल पार्क और एक तरफ बड़कोट का जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो लग रहा है, उसके कारण कुछ कठिनाइयाँ आपको है। वन क्षेत्रों से इनकी गूल नहरें आ रही हैं और रास्ते हैं, उनको लेकर मरम्मत आदि को लेकर कुछ कठिनाइयाँ हैं। इसके अलावा और कई तरह की समाज कल्याण के संबंध में एक दो बातें यहाँ पर आई हैं कि आश्रम पद्धति विद्यालय की आवश्यकता है। इसी प्रकार महिला सहायता समूहों ने भी अपनी बात रखी है कि वो किस प्रकार अपने आजीविका को बढ़ाने जा रहे हैं।
हर की समस्या यहाँ पर आ रही है। हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, समस्या भी सुन रहे हैं, सुझाव भी मांग रहे हैं और हमने सबको आश्वस्त किया है कि जो भी बात यहाँ आई है उसको बहुत तो पॉजिटिवली लिया जाएगा और अधिकारी भी विभिन्न विभागों के यहाँ आए हैं, हम लोग उनसे बात करके इनको शीघ्रता से इनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के क्रम में कालडोंगी में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। कालडोंगी के रामलला मैदान में लगाए गए इस शिविर का शुभारंभ कालडोंगी विधायक वंशीधर भगत ने किया। इस शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल लगाए गए। आज कालडोंगी के रामलला ग्राउंड में और देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसके उद्देश्य है कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर जनता को कुछ सुविधा मिले इसके लिए बहुउद्देश्यीय शिविर लगाए गए हैं। आज यहाँ कालाढूंगी में भी बहुत अच्छा बहुउद्देश्यीय शिविर है और सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जनता ले और उसका आनंद। जनपद पौड़ी और टिहरी को जोड़ने वाले झूला पुल को आनंद पान में पीडब्ल्यूडी पौड़ी ने विगत महीने में बंद कर दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि पुल कभी भी डैमेज हो सकता है, इसी कारण देवप्रयाग और पौड़ी विधानसभा के ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने कल पुल पर आकर अपना आक्रोश जताया और जिला प्रशासन पौड़ी के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बंद होने के कारण उनको देवप्रयाग मार्केट पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। दोनों तरफ कम से कम 400 से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं जिनके लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।